अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीएसएफ, द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हम काफी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी काफी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी के। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम बेसिकली सीएसएफ से रिलेटेड इसका कंपोजिशन, इसका फ्लो एंड बैरियर्स इन द ब्रेन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट सीएसएफ इन एनाटॉमी एंड इन सिंपली फिजियोलॉजी, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, व्हाट इज सीएसएफ और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सीएसएफ इज बेसिकली क्लियर कलरलेस फ्लूड डेट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रेजेंट इन सब एरेक्नोइड स्पेस। हम सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर एक समझाऊंगा। आपके पास जी सबसे पहले थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंजीज होती हैं, जो कि सराउंड करती ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, दैट इज डूरा मैटर, दैट इज सब एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, के तीन हमारे पास मेनिंजिस की लेयर है। ठीक है, अब जो हमारे पास एरेक्नोइड मैटर है और जो पाया मैटर है, इसके दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट होती है। सो जस्ट लाइक हमारे पास जी ये ड्यूरा मैटर की लेयर है, ये हमारे पास जनाब जी एरेक्नोइड, और जो पाया मैटर है जो ब्रेन के सल्काई और गायराई के साथ अटैच होती है, सो वो इस तरह की लेयर बन जाती है। ठीक है, सो इनके दरमियान में ये जो खाली स्पेस है, ये जो जगह है, डेट इज कॉल्ड एज सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, सो ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सीएसएफ। हम इसकी प्रॉपर हर चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, हम इसकी वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीएसएफ जो हमारे पास डेफिनेशन पढ़ ली, वॉल्यूम इसका 150 ml होता है, मिलीलीटर। रेट ऑफ प्रोडक्शन 0.5 ml पर मिनट होता है, और इसी तरह इसका जो रेट है वो पूरे ब्रेन में क्रिएट होता रहता है, ये हमारे पास बनता रहता है, और इसी तरह पूरे ब्रेन से नीचे जाके और ये वेन्स के जरिए और साइनसिस के जरिए ये बाहर ड्रेन होता रहता है। प्रेशर इसका 60 से 150 mm ऑफ वाटर इसका प्रेशर होता है। कॉम्पोजिशन की बात करें, वाटर इसमें सबसे मेन है, प्रोटीन इसमें 15 से 45 mg पर 100 ml इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और उसके बाद ग्लूकोज की बात करें, सो 50 से 80 mg पर 100 ml इसमें मौजूद होता है। क्लोराइड आयंस की बात करें तो 720 से 750 mg पर 100 ml, और सेल्स की बात करें तो लिम्फोसाइट इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, 1, 2, 3 तक पर मिलीमीटर क्यूब इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन की बात करें, ऑब्वियसली सीएसएफ का मेन फंक्शन ये होगा कि सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ब्रेन में कोई ट्रोमा होता है, कोई ब्रेन हमारा कहीं हमारा सर कहीं हिट हो जाता है, तो उसमें ये बेसिकली कुशन के तौर पे एक्ट करता है कि ब्रेन की जो लेयर है आगे पीछे जाए तो बेसिकली उसके दरमियान कुशन है। जस्ट बयंसी नहीं जैसे होती कि हम कोई चीज ऐसे करें तो वो ऊपर नीचे थोड़ी सी हिल के वापिस अपनी जगह पे आ जाती है। सो इट्स प्रोवाइड कुशन एंड इट प्रोटेक्ट सीएनएस, अगेन वही बात, प्रोवाइड मैकेनिकल बॉयंसी, वही बात आ गई, सर्व्स एज रिजर्वायर क्योंकि इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, सो यहाँ से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। असिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द स्केल, नॉरिश द सीएनएस जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिमूव मेटाबोलाइट्स, काफी सारे मेटाबोलाइट को अब्सॉर्ब करता है, और उसके अलावा ये पाथवे होता है फॉर द जो पाइनियल सेक्रेशंस वगैरह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो ये इसके मेन फंक्शंस आ गए और इसके रिलेटेड ये चीजें आ गई। नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में सबसे पहले ये कहाँ पे हम देखते हैं फॉर्म होता है, सबसे पहले ये फॉर्म होता है जी क्रोइड प्लेक्सिस के अंदर। ठीक है, क्रोइड प्लेक्सिस के अंदर ये फॉर्म होता है, और क्रोइड प्लेक्सिस कहाँ कहाँ पे, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। एंड व्हाट इज क्रोइड प्लेक्सिस, क्रोइड प्लेक्सिस की अगर बात करें तो बेसिकली जो एपेंडाइमल सेल्स हैं जिनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, वो मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट लाइक इस तरह कि अगर आपके पास ये जनाब जी ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, ये सॉरी थोड़ा सा डायग्राम आप गुजारा कीजिएगा, जस्ट लाइक ये आपके पास लेटरल वेंट्रिकल है यहाँ पे, तो लेटरल वेंट्रिकल की जो वाल है, इस वाल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होकर एपेंडाइमल सेल मॉडिफाई हो जाते हैं। वो एपेंडाइमल सेल जो मॉडिफाइड होते हैं, जिसके कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वो मिल के बनाते हैं जी क्रोइड प्लेक्सिस, जिससे हमारे पास ये
हमारे पास प्रोड्यूस होता है जी सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ब्लड वेंटिकुलर ल्यूमन वैली, जो वेंटिकल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो ये थ्री लेयर्स इसके अंदर मौजूद होती है। कैसे होती है? देखिए, ये आपके पास ये कैपिलरी है, कैपिलरी की ये दो वाल्व है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही अच्छी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके आ जाती है, और उसके बाद जो एपेंडाइमल सेल है उसकी सरफेस एपिथेलियम आ जाती है, ठीक है। सो अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए, ये कैपिलरी की यहाँ पे ब्लड है ना, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, सॉरी मैं इसको अगर पिंक कलर में थोड़ा शो कर लूं, ये आपके पास ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सो ब्लड और जहां पे ये सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितने बैरियर्स हैं? नंबर वन इसकी ब्लड वेसल की वाल एंडोथीलियम, नंबर टू उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और नंबर थ्री जो हमारे पास क्रोन प्लेक्सिस में जो एपेंडाइमल सेल्स हैं उनकी जो ऊपर सरफेस एपिथीलियम होती है। सो थ्री लेयर्स यहाँ पे मौजूद होती हैं जो ब्लड के दरमियान और वेंटिकुलर ल्यूमन के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। और ये जो वेंटिकुलर ल्यूमन की जो एपिथीलियम है यही एपेंडाइमल सेल मॉडिफाई होकर सीएसएफ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो सेक्रीशन क्रोन प्लेक्सिस एक्टिवली सेक्रेट द सीएसएफ एंड क्रिएट अ ग्रेडियंट, ऑल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मेटा ब्लड फ्रॉम द सीएसएफ टू ब्लड। सो सीएसएफ से ब्लड से मेटा ब्लड भी चले जाते हैं। अब हम सर्कुलेशन की बात करें, सबसे पहले आपको पता है कि लेटरल वेंटिकल में बनता है, लेटरल वेंटिकल से थर्ड वेंटिकल में जाता है थ्रू इंटरवेंटिकुलर फोरामिना, फिर थर्ड वेंटिकल से फोर्थ वेंटिकल में जाता है थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट, हम दोबारा इसको करते हैं आगे डिस्कस, और फोर्थ वेंटिकल से सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये मूव कर जाता है थ्रू टू फोरामिना, लेटरल फोरामिना इज कॉल्ड एज फोरामेन लुश्का और मिडिल फोरामेन इज कॉल्ड एज फोरामेन मेजेंडी या मेजेंडी एपर्चर, और उसके बाद सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टर्न से पोन्टाइन सिस्टर्न एंड देन वो सारी अरेक्नोइड स्पेस से पूरा वीनस रिटर्न इसका हो जाता है, ठीक है। मैं आपको इसके प्रॉपर डायग्राम समेत इसकी आपको एक विजुअल इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये हमारे पास है, सबसे पहले देखें ये एक हमारे पास साइड स्ट्रक्चर है, ये जनाब जी हमें नजर आ रहा है जी क्रोइड प्लेक्सिस जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास लेटरल वेंटिकल है, लेटरल वेंटिकल से हमारे पास जी ये थर्ड वेंटिकल में आ गया, ठीक है। थर्ड वेंटिकल से हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास है आगे दो फोर्थ वेंटिकल में देना आ जाएगा, पीछे जाके ये फोर्थ वेंटिकल के फ्लोर में आ गया थ्रू जो हमारे पास एक्विडक्ट होती है ऑफ सिल्वियस यहाँ से, और देन फोर्थ वेंटिकल से हमारे पास लेटरल एंड मिडियल अपर्चर, ये लेटरल अपर्चर है और दूसरी तरफ हमारे पास इसके मिडियल अपर्चर होता है, यहाँ से ये हमारे पास चला जाता है किस तरफ सब अरेक्नोइड स्पेस में, ये सब अरेक्नोइड स्पेस में चला गया, ठीक है। सो सब अरेक्नोइड स्पेस में टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों तरफ चला जाता है। सो बिल्कुल सिंपल से इसका पाथवे हो गया लेटरल वेंटिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो, या फिर हमारे पास जो लेटरल वेंटिकल से थर्ड वेंटिकल में जाते हैं थर्ड वेंटिकल में, फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से फोर्थ वेंटिकल में, फिर फोरामेन ऑफ जेंडी एंड लुश्का से सब अरेक्नोइड स्पेस में, और वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाती है वेन्स के अंदर। सो बिल्कुल इसका सिंपल सा फ्लो हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा डिटेल्ड पाथवे मैंने जो नोट्स में लिखा हुआ है कि हमारे पास किस तरह सुपीरियरली टेंटोरियल नोच में चला जाता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम में चला जाता है, फिर उसके लेटरल एस्पेक्ट में हेमिस्फीयर के जाता है, फिर वहां से एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू वो पेनिट्रेट करके गेन सारी चीजें। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें, मेन जो इसके एब्जॉर्प्शन साइट्स हैं वो है अरेक्नोइड विलाई जो कि प्रोजेक्ट करते हैं ड्यूरा से इनटू साइनसेस, ठीक है, वहां पे फिर वो ग्रुप ऑफ सुपीरियर सेजिटल साइनस में चला जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब वहां से हो जाता है वीनस प्रेशर की वजह से, और इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपरली रीअब्सॉर्ब होता है। आगे हमारे पास आगे जी बैरियर्स, सबसे पहले हमारे पास जी ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बस हम सिंपली देखते हैं कि व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, हम इसको डिस्कस करते हैं। सो ब्लड ब्रेन बैरियर की अगर आप बात करें तो ये देखें हमारे पास जी ऊपर है कैपिलरी वाल और नीचे हमारे पास जी ब्रेन है। देखें ये अगेन हम इसको अगर कैपिलरी को हम शो कर दें ऑरेंज में, ये हमारे पास जी कैपिलरी है, ठीक है, और ये हमारे पास जनाब जी है ब्रेन के वो वाले सल्काई एंड गायरा है, ठीक है। सो इनके दरमियान में मौजूद है हमारे पास जनाब बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीन चीजें, ठीक है। अब ब्लड मौजूद है यहाँ पे, ब्लड को हम रेड में शो करते हैं, ये जनाब जी आपके पास ब्लड मौजूद है यहाँ पे। अब हमने ब्लड से जाना है जी ब्रेन तक, ब्लड ब्रेन बैरियर का यही मतलब है ना। सो हमने ब्लड से ब्रेन तक बेसिकली जाना है। सो ये ब्लड है, ब्लड से क्रॉस करेंगे सबसे पहले एंडोथीलियम, एंडोथीलियम वॉल ऑफ कैपिलरी आएगी, फिर आएगी जनाब जी बेसमेंट मेम्ब्रेन वो आ जाएगी, फिर फूड प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट यानी जो ब्रेन के प्रोसेसेस है वो आ जाएंगे। सो थ्री लेयर्स लगेंगे हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर तक पहुंचने में,
ठीक है। सो इस तरह से हम ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मार्कर सच एज जो हमारे पास लैंथेनम शोज करती है डी सब्सटेंसेस जो के क्रॉस नहीं कर सकती। सो जितनी हमारे पास बेसिकली आप कह लें कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट तरह की इसमें चीजें जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद आ गया जी ब्लड सीएसएफ बैरियर। अगेन उसमें क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले हम एंडोथेलियम की बात करेंगे, फिर उसके बाद हमने बेसिकली जाना है सीएसएफ तक, दैट्स इट, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें भी फाइव लेयर्स होंगी, सबसे पहले एंडोथेलियम, अगेन उसी तरह कैपिलरी की एंडोथेलियम होगी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, फिर हमारे पास जनाब ये स्कैटर्ड सेल्स आएंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास जी ऊपर आएंगे जो एपिथेलियम ऑफ जो क्रोइड प्लेक्सिस है उसकी आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर क्रोइड प्लेक्सिस के एपिथेलियम। सो फाइव लेयर्स यहाँ पे हमें क्रॉस करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। वेंट्रिकुलर ल्यूमन ये सीएसएफ बैरियर तक ये फाइव लेयर्स हैं, ठीक है। उसी तरह एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास स्कैटर्ड सेल जिनको हम फ्लैटेंड प्रोसेसेस भी कहते हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर क्लोइड की एपिथेलियम। सो फाइव लेयर्स हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर आगे हमारे पास जी सीएसएफ ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पता है सीएसएफ सब अरेक्नोइड स्पेस में होता है, तो वहां पे पाया मैटर होगी, फिर पेरिवेंट्रिकुलर एक्सटेंशन होगी और फिर एपेंडाइमल सर्फेस होगी। सो थ्री लेयर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीएसएफ, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट द सीएसएफ, प्रोडक्शन, वॉल्यूम, प्रेशर, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड बैरियर्स, ओके। लास्ट पे एक चीज है कि इसके क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में हाइड्रोसेफलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उसमें आपने जस्ट यू शुड गिव अ रीड कि व्हाट इज हाइड्रोसेफलस, बेसिकली इट इज इंक्रीज द प्रेशर ऑफ सीएसएफ, ठीक है। और इसमें आगे हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, एक होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और एक जिसके अंदर हमारे पास फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस करना है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट द CSF production. Thank you. Allah Hafiz.